हेलो एवरीवन माय नेम इज माइन एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया चैनल सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट की आई हुई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में कैसे आपको अप्लाई करना होगा क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है ये नोटिफिकेशन बिल्कुल नया अभी अभी आउट किया गया है सबसे पहले आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ चुकी हूँ वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है हर कोई आप आपसे यहाँ अप्लाई कर सकता है मेल फीमेल दोनों की वैकेंसीज आई हुई है और फ्रेश यहाँ पे इलिजिबल है यहाँ पर आपका कोई एग्जाम

सिंगल क्लिक करके अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं ज्यादा टाइम ही लेंगे सीधा बात करेंगे एयरपोर्ट की आई हुई डायरेक्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में कौन कौन सी पोस्ट आउट हुई है पोस्ट वाइज सैलरी एंड एलिजिबिलिटी क्या है कैसे आपकी यहाँ पे सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग हो रही है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग बताया किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं है सीधा आपकी सिलेक्शन हो रही है तो वीडियो को लास्ट से देखना वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को आपने शेयर भी जरूर करना है प्यारा सा लाइक भी जरूर कर देना आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का तो यहाँ पे बात करें लेटेस्ट जो वैकेंसीज के बारे में जो कि एयरपोर्ट की, की तरफ से आ गई है इसके अलावा एक और गुड न्यूज आपके लिए एमेजोन की लेटेस्ट वैकेंसीज आ गई है एच की लेटेस्ट वैकेंसीज आ गई है पोस्ट ऑफिस और रेलवे ये तीनों चारों वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है इस वीडियो के बाद हमारा सेकंड यूट्यूब चैनल मीत शर्मा ठीक है इसको जाके सब्सक्राइब करना ये तीन से चार वीडियोस आपको इधर ही मिलने वाले है, जाके सब्सक्राइब कर लेना फिलहाल हम बात करें लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि आपकी एयरपोर्ट की लेटेस्ट वैकेंसीज है एयरपोर्ट की जो वैकेंसीज आउट हुई है यहां पे आपकी सीधा सिलेक्शन हो रही है एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की तरफ से ये वैकेंसीज है ठीक है तो आप यहाँ पे ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ठीक है नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं अप्लाई करना भी यहाँ पे शुरू हो चुका है तो यहाँ पे सीधा आपकी सिलेक्शन होने वाली है कोई आपका यहाँ पे एग्जाम नहीं है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपकी हायरिंग होने वाली है हर कोई कैंडिडेट आप में से यहाँ पे अप्लाई कर सकता है तो बहुत अच्छा चांस है आपके लिए उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसीज यहाँ पे कौन कौन सी है तो वैकेंसीज यहाँ पे देखिए इसके अलावा भी एक से दो और टाइप की है सबसे पहले यहाँ पे देखिए पोस्ट जो है सीएसई मतलब कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज है यहाँ पे ट्वेंटी 980 सैलरी है उसके बाद जूनियर कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए 23640 सैलरी है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 25980 सैलरी है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए यहां पे आपकी 23640 हैंडीमैन के लिए बात करें ट्वेंटी वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड वैकेंसीज है तो ये सारी के सारी डायरेक्टली तो हायरिंग हो रही है डायरेक्टली आपकी सिलेक्शन होने वाली है तो बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए उसके बाद पे अगर हम बात करें आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है ये बिल्कुल नई वैकेंसीज आउट हुई है जहाँ पे टेंथ पास ट्वेल्थ ग्रेजुएट आई टी आई डिप्लोमा हर कोई आप में से यहाँ एलिजिबल है अपलाई कर सकता है एज के बारे में यहाँ पे बात करें मिनिमम एटीन मैक्सिमम थर्टी थ्री है प्लस अदर बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकते हैं जैसे एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है कैटेगरी वाइज इसमें अगर हम गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जाए तो ओबीसी का तीन साल का एस सी का पांच साल का अदर्स का एज पर नॉर्म्स रहेगा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई यहाँ पे अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें मैंने आपको बताया यहाँ पे सीधा आपकी सिलेक्शन हो रही है किसी तरीके का कोई एग्जाम आपका यहाँ पे नहीं है ठीक है तो यहाँ पे सीधा इन्होंने ना पोस्ट वाइज इंटरव्यू मेंशन किया और इंटरव्यू डेट आपको वेन्यू मेंशन किया उस वेन्यू मे, में उस डेट में ठीक है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपको पहुंचना है सीधा वही पे आपकी इंटरव्यू होने वाली है वहीं पे आपको रिजल्ट पता चल जाएगा आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड ठीक है तो आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे डायरेक्टली होने वाली है अब यहाँ पे एप्लीकेशन फी डेफिनेटली क्योंकि ये परमानेंट आपकी जॉब है जिसमें फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है इनके फेवर में जो इन्होंने टॉप में नोटिफिकेशन में एड्रेस मेंशन किया है इवन हाउ टू अप्लाई सेक्शन में भी इन्होंने मेंशन किया किस नेम से आपको बनाना है ठीक तो है तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेक्शन एंड ज्वाइनिंग है इधर आपको लास्ट में रिक्वायरलिंग मिल जाते हैं पहला नोटिफिकेशन पीडीएफ का इसी के साथ इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया है उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आपको जो फॉर्म इन्होंने

करना हमारी टीम बैठी है आपका डेफिनेटली आपको, आपको रिप्लाई मिलेगा मैंने आपको चार अलग अलग नोटिफिकेशन जो बताए हैं इसके अलावा वो वीडियोस हमारे सेकंड चैनल पे आ रही है मीत शर्मा चैनल यूट्यूब में जाके टाइप करना और यहाँ पे आप जब टाइप करेंगे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट जो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन आ रहे हैं ठीक है उसका आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए आज के लिए इतना ही नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग